नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, हमारे इस ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आज सुबह के बज रहे हैं 10 और अभी हम घर से निकले हुए हैं। अभी कोई ढंग की राइड आई नहीं है। एक ऊबर में इंटरसिटी लखनऊ की आई थी लेकिन वो तुरंत ही कैंसिल हो गई। शायद कोई ड्राइवर भाई अपना डाल रहा होगा बुकिंग अपने डिवाइस में या चेक कर रहा होगा आती है कि नहीं आती है, तो उसके में तो आई नहीं। बुकिंग हमारे पास आई हुई थी, हमने एक्सेप्ट भी की और जस्ट 10 सेकंड में जो है वो बुकिंग कैंसिल भी हो गई है। तो अभी निकले हैं घर से और चलते हैं शहर की तरफ। बच्चों को भी लेवा लिए, इनका बैंक में कुछ काम है, बैंक अकाउंट में इनका मोबाइल नंबर लिंक कराना है और एटीएम के लिए भी अप्लाई करना, फॉर्म भरना है। इनको भी लेवा लिए, इनको रास्ते में छोड़ते हुए शहर की तरफ निकल जाएंगे और देखें कोई ढंग की बुकिंग आएगी तो जाएंगे, नहीं तो हो सकता है शाम को हमें बिहार के लिए भी निकलना पड़े। तो शाम को ही फ़ोन आएगा तभी वो लोग फाइनल करेंगे कि जाना है कि नहीं जाना है। अगर जाना होगा तो 2 दिन का समय लगेगा। रात में ही कपड़े वगैरह पैकिंग करके 12 बजे के करीब यहाँ से कानपुर से निकलना है, तो हम यहाँ से निकल लेंगे रात में और आएंगे 2-3 दिन बाद, क्योंकि वो लोग छठ पूजा मनाने जा रहे हैं अपने गांव बिहार में। बिहार के ही रहने वाले हैं और यहाँ पे काम वगैरह करते हैं, यहीं कानपुर में नवस्था में रहते हैं। कल बात हुई थी, रेट वगैरह सारा कुछ फिक्स हो गया है लेकिन फाइनल जो है वो शाम को ही बताएंगे, शाम को वही लोग 5-6 बजे। तो 5-6 बजे तक हम कोई ढंग की राइड होती है तो चलाएंगे, नहीं तो करेंगे रेस्ट आराम से और शाम को फिर बाहर निकल जाएंगे। अगर वो बुकिंग हमें मिल जाती है तो ना कुछ तो एक किस्त घर का पैसा जो है उसमें निकल आएगा, पैसा ही पैसा होगा। वैसे भी हमें पैसे की सख्त ज़रूरत है क्योंकि अभी इसका जो है बीमा वगैरह करवाना है और किस्त भी आ रही है, फिटनेस भी करवाना है, ऑथराइजेशन का पेपर भी कंप्लीट कराना है। काम कई सारे 50-60 हज़ार रुपये खर्चा है तो एक बुकिंग में ही लगभग 12 हज़ार रुपये का काम हो जाएगा, जो कि हमारे किस्त से काम में आ जाएगा और पैसे बाद में हम इकट्ठा करते रहेंगे। ये देखिए अभी भी हमारे यहाँ पानी भरा हुआ है, बारिश को इतना समय बीत गया है लेकिन पानी काफ़ी कम हुआ है लेकिन अभी ख़त्म नहीं हुआ है। तो चलिए ठीक है, चल पड़ते हैं आगे की तरफ। आगे इन लोगों को छोड़ने के बाद सीधा गाड़ी कहीं छाया में लगाएंगे और वेट करेंगे ढंग की बुकिंग का। जब कोई बुकिंग आएगी तो आप लोगों से हम शेयर करेंगे कि गाड़ी कितना चली है, कितना फेयर आया हुआ है और समय कितना लगा हुआ है, ईंधन भी कितना लगा हुआ है और बचत उसकी क्या है। तो यह सारी डिटेल हम आपको अभी थोड़ी देर बाद शेयर करते हैं। अब आ गए अपने सिम को रखते हैं, फिर मिलते हैं कुछ देर के बाद। रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ भाइयों, हमें राइड मिल चुकी है। आईटी में आज बहुत भीड़ है, आप देख सकते हो कितनी सारी गाड़ियां यहाँ खड़ी हुई हैं लाइन से। आज जो पेरेंट्स जो स्टूडेंट हैं उनके पेरेंट्स को आज बुलाया गया है, लगभग 100 गाड़ियां लाइन से लगी हुई हैं। पर्ची बनवाने में ही हमको 15 मिनट लग गए। आज हमारी राइड आ गई थी, हम आ रहे थे शहर की तरफ इंदिरा नगर, तो जो है हमें राइड आ गई है और ये आउट स्टेशन की बुकिंग है, लखनऊ जाना है इनको आलमबाग, तो इनको हम पिकअप करने जा रहे हैं। ये विस्टर हॉस्टल में है, सर जी इनसे बात हो गई है, विस्टर हॉस्टल से पिकअप करके इनको लखनऊ 4 बाग छोड़ना जाके, और देखते हैं फेयर कितना आता है, गाड़ी कितना चलती है, क्योंकि इसमें तो 100 किलोमीटर दिखा रहा है पिकअप करने के बाद का और रुपये इसमें 1500 दिखा रहा है, टोल इंक्लूड नहीं होता है। अब देखते हैं बिल बनता कितने का है, हमें ये कितना देते हैं। तो पर्ची अभी हमने ये देखो बनवा ली है, 15 से 20 मिनट लग गए, लगभग 100 गाड़ियाँ थी। हालांकि 3-4 काउंटर बना रखे हैं इन लोगों ने ताकि किसी को ज़्यादा देर खड़े ना होना पड़े, तो फटाफट जाके एड्रेस वगैरह बता के और अपनी पर्ची जो है हमने बना ली है। अब पर्ची बनवाने के बाद सीधा चलते हैं विस्टर हॉस्टल, कस्टमर को पिकअप करते हैं और पिकअप करने के बाद फिर चलते हैं लखनऊ की तरफ। हालांकि हमारा सीएनजी वगैरह सब कुछ हमने कल ही ओके करा लिया था, तो सीएनजी वगैरह तो जाते में नहीं लेना पड़ेगा और
आते समय फिर हम सीएनजी के लिए देखेंगे। ये भैया बोलता रहता है अगर सीट बेल्ट न लगाएं तो बिलिंग करता रहता है। आज तो आईआईटी में बहुत भीड़ है क्योंकि स्टूडेंट जो छुट्टी में गए थे वो भी आ रहे हैं और उनके पेरेंट्स को भी बुलाया गया है, कुछ मीटिंग वगैरह इन लोगों की होगी जो भी होगा, तो इतना तो कुछ पता नहीं है। तो हम ये गोल चक्का से मोड़ लिए हैं क्योंकि यहाँ जो है रिकॉर्डिंग तो हमें लग रहा मना होगा, शायद करने नहीं देते होंगे, लेकिन गाड़ी को हम अपना अंदर मोबाइल रखे हुए हैं उसी से रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो आ गए हैं विस्टर हॉस्टल के पास में, ये केंद्रीय विद्यालय है, इसके अपोजिट में ही विस्टर हॉस्टल पड़ता है जो कि ये रहा। कस्टमर ने तो बोला था ठीक है हम बाहर हैं लेकिन अभी कहीं दिख नहीं रहे हैं, हो सकता है यहीं कहीं पे हूँ। चलिए हम तो आ गए, हम मिलाते हैं कस्टमर को फोन। समझ रहे हो ना भाइयों, हम पहुंच गए लखनऊ में और हमको लगभग एक से डेढ़ घंटा होने वाला है। बिल हमारा आया था 1600 रुपए, उसमें ऑपरेटर हमारा 100 रुपए दैनिक भत्ता मिला के 1200 रुपए और प्लस 90 रुपए टोल का हमने अलग से लिया है। और गाड़ी हमारी चली 110 किलोमीटर, एक से डेढ़ घंटे हो गए लेकिन अभी कोई राइड बची नहीं है, ना ही ओला में ना ही उबर में। अब देखते हैं कितनी देर तक हमें यहाँ वेट करना पड़ता है और हमको कौन सी कंपनी काम देती है, ओला या उबर। हालांकि ऑप्शन दोनों हैं, वन वे भी है, तीन ऑप्शन है, तीनों को हमने ऑन कर रखा है, तीनों डिवाइस हमारी ऑन है लेकिन अभी तक किसी में काम कोई आया नहीं है, ना ही ओला में ना ही उबर में ना ही वन वे में। तो जिसका भी काम आएगा हम लेके जाएंगे क्योंकि यहाँ पे जो है कोई भरोसा नहीं कब तक बजे, क्योंकि हमारे दोस्त लोग बता रहे हैं सुबह 8 बजे के लोग आए हुए ओला से यहाँ खड़े हैं, एक उबर से भी राजेश हमारा दोस्त आया हुआ था उसकी भी अभी सुबह से बजी नहीं है, अब तो वो सवारी भर के यहाँ से जाने वाला है और सवारी भर के जो है कितना 100-150 रुपये सवारी मिलेंगी, इससे ज़्यादा मिलना नहीं है। तो हम पे वो नौबत ना आए इसलिए हम वेट कर रहे हैं कि ऑनलाइन कोई हमारी बुकिंग आ जाए, ओला उबर या वन वे, भले 1000-1200 जो भी मिले, 1000 रुपए भी मिलेंगे तब भी चलेगा क्योंकि 1200-1250 इधर से मिल गया, 1000 इधर से मिल जाएगा, 2250-2300 रुपये हो जाएंगे और 700-800 रुपये सीएनजी निकाल तब भी 1500 रुपये मान के चलो बच जाएंगे। तो सवारी में क्या है कि 150-150 रुपये की चार सवारी भरेंगे या 100-100 की भरेंगे तो 500-600 ही आएंगे, तो उससे कुछ भला होने वाला है नहीं। और ऐसे क्या ऑनलाइन जाएंगे तो कंपनी का भी भला होगा और हमारे भी भला होगा, हमारी भी बचत काफ़ी अच्छी होगी। कस्टमर जिनको लाए थे उनको छोड़ दिया है, वो बहस किए हुए पड़े थे तो भैया टोल इंक्लूड होता है, हमने कहा भैया आप बिल की डिटेल में जाके आप देख लीजिए, तो खैर गए और देखा, बोले नहीं ठीक है आप सही बोल रहे हो, बोले हमारे यहाँ ऐड हो जाता है, हमने कहा हाँ दिल्ली मुंबई में आप रहते होंगे वहाँ ऐड हो जाता होगा, हमारे यहाँ छोटा शहर है लखनऊ हो या कानपुर हो, हमारे यहाँ जो है टोल इंक्लूड नहीं होता है, वो अलग से ही पे करने होते हैं, आपके ऐप में भी बुक करते समय भी दिख रहा होगा और अभी बिल भी बन चुका है, बिल में भी आप देख सकते हैं अगर टोल ऐड होगा तो टोल का लिख के आएगा इतने रुपए ऐड हैं, ऐड नहीं होगा तो फिर उसमें शो नहीं कर रहा होगा। तो हमारे समझाने पे वो बात मान गए, बोले ठीक है भाई ले ले, पेमेंट कर दिए और वो चले गए हैं। हम कर रहे हैं वेट, हो गया समय लगभग 1.5 घंटे और बजने वाले हैं 3, हमने उनको यहाँ 2 बजे छोड़ दिया था, 1.5-2 बजे करीब, और समय काफ़ी हो गया है, अब 3 बजे भी या 4 बजे भी मिलेगी तो हमको पहुँचते पहुँचते 5-6 बज जाएंगे और सारा दिन की दैया मैया हो जाएगी, दूसरा काम तो करने से नहीं रहे नहीं क्योंकि काम हो ही नहीं पाएगा, यहाँ से जाते जाते ही शाम हो जाएगी। तो ठीक है मेरे प्यारे भाइयों, अब करते हैं थोड़ी देर बुकिंग का इंतज़ार, उसके बाद बुकिंग आएगी, उसकी डिटेल हम फिर थोड़ी देर बाद आपको शेयर करते हैं, तब तक आप करें इंतज़ार। A few moments later. हाँ भाइयों, हम लौट के आ गए हैं कानपुर और उधर से राइड हमें ओला ने तो दी नहीं, ऊबर ने दी, जैसे ही दी वैसे ही हमने एक्सेप्ट करके और लेके चले। हमने कहा भाई यहाँ कोई भरोसा है नहीं, अभी ऊबर दे रहा है, हो सकता है थोड़ी देर बाद ऊबर भी न दे, तो वहाँ से हम लेके आए हम चले, बहुत सही की, तो हम खड़े रही थे भाई, खड़े ही रही थे कितने खड़े हैं कोई भरोसा नहीं उसका। तो हम आ गए हैं भाई, सीएनजी भरा लिए
680 रुपए की आई है, टंकी फुल हो गई। कल भी यहीं भराए थे, चक्कर मार के लौट के आ गए, यहीं आके खत्म हुई। खत्म भी नहीं होती, अभी थी थोड़ी सी। तो अब जा रहा भाई मंदना, अपने एक सौरभ भाई हैं उनके पास जा रहे हैं, क्योंकि उनको एफिडेविट बनवाए थे, वही हम उठाने जा रहे हैं। और उठाने के बाद सीधा घर, क्योंकि ऊबर ने जो हमको फेयर दिया है वो दिया है 1000 रुपये ऑपरेटर, और उसे आते हैं टोल का अलग से 90 रुपये। पेमेंट भी हो गया अच्छा खासा, अपना चले आए। जाने में 1250 रुपये उन्होंने दिए थे, आने में 1000 रुपये दिए हैं ऊबर ने, तो टोटल हो गया ओला ऊबर दोनों मिला के 1250, 1000, 2250, 2250 में 750 खर्चा निकाल दो तो 1500 रुपये की बचत हुई है। अभी भी हालांकि दिन ही है, अभी बज रहे हैं 5:30, चाहे तो चला सकते हैं तो 400-500 और भी हम कमा लेंगे, लेकिन हमने नहीं चलाई, हम सीधा जा रहे हैं घर की तरफ। चलाएंगे भी नहीं क्योंकि त्यौहार का टाइम है, कहीं उल्टी सीधी जगह ले जाके डाल देगा और फिर हमसे वहीं वेट कराएगा और फिर पता नहीं कब वापसी दे कि न दे, उसमें हमारा होगा घाटा। तो उससे अच्छा टाइम वेट न करते हुए वेस्ट आराम से अपना निकल चलते हैं। ठीक है भाई, अब आज का ब्लॉग यहीं तक, कल एक नए ब्लॉग में आप सभी से रूबरू होंगे हम। और भाई जो भी हमारे ऑडियंस है, जो भी हमारे लोग हैं, दर्शक लोग हैं, हमारा वीडियो देखते हैं, अगर लाइक ना हो तो भाई अपने मोबाइल से सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन का बटन जरूर दबा दें। और भाई इनबॉक्स में मैसेज वगैरह भी लिखा करें कि हम वीडियो किस टाइप की बनाएं, क्या वीडियो में कमी है, क्या बदलाव करें, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ठीक है, राम राम मेरे प्यारे भाइयों, गुड बाय।